अब ये नई टीम मोदी पर देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, उधर मोदी मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश को न्योता ना मिलने पर लालू यादव ने तंज कसा है। लालू यादव का कहना है कि नीतीश की किस्मत में यही लिखा है। लालू के मुताबिक जो लोग अपनों का साथ छोड़ते हैं उनका साथ कोई नहीं देता है। तंज कसते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को एक बार फिर से अपना साथ छोड़ने के लिए कोसा भी है, खरी खोटी भी सुनाई है और ये भी कहा है कि देखिए आपको बुलाया नहीं, हमें छोड़ के जाओ ऐसा ही होगा। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए ब्रिजेश जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या रिएक्शन है ये? देखिए, रिएक्शन लालू यादव का है और निश्चित रूप से जिस तरीके से जब से मंत्रिमंडल विस्तार का की चर्चा हुई है रूबी का, यहाँ से जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं उनका नाम जोरों से था और यहाँ तक कि आरसीपी सिंह दिल्ली में भी मौजूद हैं और कई उनके सपोर्टर्स और यहाँ तक कि मंत्री विधायक भी वहाँ पर गए हुए थे। उनको उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि न्योता भी नहीं मिला है। और इसी को लेकर लालू यादव ने कहा है कि जो बंदर झुंड छोड़ देता है उस बंदर को फिर झुंड में शामिल नहीं किया जाता है। इशारा साफ है कि जो उनको छोड़ के गया है उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। और लालू यादव का तो इतना रिएक्शन था, उनके पार्टी के बाकी नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं कि ये धोखेबाजों की पार्टी है और इनके कोई भी नेता को शामिल नहीं करना है। जदयू नीतीश कुमार पलटू राम के पार्टी के अपर वक्ता और जो लोग आरसीपी सिधा और लोग जो थे भर भर के जहाज में यहाँ से गए हुए थे, वहाँ पर हवाई अड्डा से निकालिएगा तो सबका नाम निकल। जदयू नीतीश कुमार पलटू राम के पार्टी के अपर वक्ता और जो लोग आरसीपी सिधा और लोग जो थे भर भर के जहाज में यहाँ से गए हुए थे, वहाँ पर हवाई अड्डा से निकालिएगा तो सबका नाम निकल जाएगा कि कौन कौन गया था। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ हम लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार को ही पलटू राम को पूरा सूढ़ में लपेट के रख लिया, ये नाउ फिनिश चैप। जेडीयू नीतीश कुमार फिनिश चैप है, मतलब खत्म हो गया। अफसोस इस बात का है, लगातार मैं बोलते रहा हूँ। और ये लोग इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते रहे मीडिया के सामने कि हमको कोई खबर नहीं आया है, कुछ नहीं हमसे पूछा गया है, मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हो रही है, ये स्वीकारात्मक बात उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इनको ठेंगा दिखाया। तो यहाँ जो इज्जत था, जो प्रतिष्ठा थी, जो आदमी, जो बंदर समूह में रहते हुए गाछ पर से जो बंदर गिर जाता है नीचे, उसको फिर गिरोह में नहीं मिलाया जाता है, ये छटुआ बंदर के रूप में इनके साथ व्यवहार हो रहा है। और इनको जानता है लोग और सबसे बात असली जानिए,